हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वागत मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो आज हम बनाएंगे मटन पाए, जो न केवल होंगे स्वादिष्ट बल्कि होंगे पौष्टिकता से भरपूर। तो बने रहिए स्वाद के सफर में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मटन पाए बनाने की। मटन पाए बनाने के लिए ये मैंने 4 मटन के पाए लिए हैं। इसको मैं मार्केट से लाया हूँ और मार्केट से ये देखिए इसके हेयर जो है ना मैंने क्लीन करवाए हुए हैं, लेकिन हम इसको फिर दोबारा से क्लीन करेंगे जिससे कि जो इसके अंदर जो फॉल स्मेल आती है वो दूर हो जाए और अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। एक पैन में हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम डालेंगे उसमें पाए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सिरका, ये व्हाइट विनेगर यूज कर रहा हूं मैं। अब हम करेंगे इनको 5 मिनट के लिए बॉईल। ऐसा करने से मटन के पाए के अंदर में जो फॉल्स स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी। मटन के पाए को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में चाकू की सहायता से मटन के पाए को हम स्क्रैप करेंगे। ऐसा करने से मटन के पाए के ऊपर जितनी भी गंदगी लगी होगी वो दूर हो जाएगी। ये देखिए मटन पाए को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसको चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले। खड़े मसाले को अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। खड़े मसाले क्रैकल हो चुके हैं तो हम डालेंगे 1 कटी हुई प्याज। अब हम प्याज को हाई हीट पर फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर बदलना स्टार्ट हो गया तो हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून चुके हैं तो हम डाल देंगे इसमें पाए। पाए डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और इसको हाई हीट पर अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक डालने के बाद में पाए को तकरीबन 2 मिनट तक हाई हीट पर भून लेंगे। 2 मिनट तक पाए की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम डालेंगे इसमें 2 टमाटर का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब हम करेंगे पाए की इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से भुनाई। भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितना आप मटन के पाए की भुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा उभर के सामने आएगा। पाए की हम अच्छी तरह से भुनाई कर चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें 3-4 चम्मच फेटी हुई दही। दही आपको इसमें फेट कर डालनी है और फ्रेश होनी चाहिए दही। दही डालने के बाद में इसकी फिर दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मटन पाए को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1.5 ग्लास गर्म पानी। पानी हम इतना डालेंगे जिससे कि मटन के पाए कवर हो जाए। पानी को कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया तो अब हम कर देंगे इसको कवर। प्रेशर कुकर को कर दिया हमने कवर। अब हम गैस फ्लेम कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटियों तक इसको कुक कर लेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है तो चलिए हम करते हैं इसको ओपन और कंडीशन चेक करते हैं। वाओ व्हाट अ लुक, ये देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है और पाए अच्छे तरह से गल चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ डालेंगे इसमें खुशबूदार होममेड गरम मसाला। गरम मसाले और धनिया को अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है मटन पाए में और रंगत तो इसके कहने ही क्या। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। हाँ जी मेरे स्वागत मित्रों, ये देखिए शानदार मटन पाए बनकर तैयार है। आप चाहे तो उसका मजा उठा सकते हैं रोटी नान या पराठे के साथ में। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।